तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये हम लोग चल रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो देखें ये कितने टाइप्स के होते हैं, डाई पारा फेरो यही होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कौन कौन होते हैं ये। तो एक होते हैं डाई मैग्नेटिक, दूसरा पारा, और तीसरा फेरो, फेरो। तो इसको थोड़ा जान जा, ये पार्शियली रिपेल होगा मैग्नेट के प्रति, ये पार्शियली अट्रैक्ट होगा, और ये फुली अट्रैक्ट होगा। यानी ये फुली अट्रैक्ट, फुली मैग्नेट के प्रति, और ये पार्शियली अट्रैक्ट होगा, और ये पार्शियली रिपेल होगा, रिपेल। तो ये थोड़ा सा डिफिनेशन हो गया जो जान गए हम लोग। लेकिन हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी एलिमेंट को देख के कैसे पता करेंगे कि ये पारा है कि डाई, तो इसको हम लोग यहां बता देते हैं। आप देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, देखें यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो ये पारा मैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर अब्सेंट है तो ये डाई मैग्नेटिक, डाई और ये पारा। बस यही याद रखें सिंपल सी। जैसे देखें यहां पे, सबसे पहले हम लोग ले लिए SC21। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। डी में कितना ब्लॉक, 5 देख लिए, 1 2 3 4, एक है तो एक ही इलेक्ट्रॉन का अरेंज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 1, फुलफिल तो हुआ नहीं 10, तो n बराबर कितना हो गया 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पारा मैग्नेटिक। यहाँ पे और देख ले, अब देखें यहाँ पे कॉपर Cu 29, अगर सिंपली Cu पूछा है तो हम लोग तो जानते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 4s1 होता है। अभी तो बताएं, तो 3d10, यानी d में कितना इलेक्ट्रॉन, देखें इधर 5 ऑर्बिटल तो होगा, उससे ज्यादा होगा नहीं, तो 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, n बराबर 0, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, सब पेयर है, दो सारे 5 ऑर्बिटल पेयर है। जैसे अनपेयर्ड अब्सेंट होगा क्या हो जाएगा, तो ये पारा मैग्नेटिक था और ये डाई। लेकिन यहीं पे यही सवाल देख ले, Cu प्लस कर देते हैं 29, तो ये देख ले सेम, यहां तक, यहां से यहां तक तो 18 हम लोग ऑर्गन लिख सकते हैं, तो यहां से हम Ar लिख लिए, ठीक है, फिर 4s1 भी लिख लिए और 3d10 भी लिख लिए, जैसे था कॉपर का 29 29 लिख लिए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है, तो निकलेगा तो यहां से सबसे पहले किससे निकालेंगे, इससे 4s से, तब किससे 3 यानी d से, यानी 4s से निकालेंगे, तो पहले 4s से निकल गया, तो यहां हो गया 0, ये हो गया 3, यानी ये भी हो गया कितना, पांचों का पांचों, इसका ऑर्बिटल फुल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट रहेगा इसमें। तो अब नेक्स्ट देखेंगे n बराबर क्या 0, यानी ये भी हो गया डाइमैग्नेटिक। लेकिन अगर प्लस 2 आ गया तब, अगर प्लस 2 दो इलेक्ट्रॉन निकला तो Ar तो होगा 4s1 और 3d कितना होता है 10, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन निकला, इसके पास तो एक ही है, तो एक ये निकालेगा और एक ये निकालेगा, तो 9 हो जाएगा। अब बताएं
नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हो गया। तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हो गया, एन बराबर वन, यानी ये हो गया पारा। तो क्वेश्चन पूछेगा Cu प्लस टू इज पारा मैग्नेटिक बट Cu प्लस इज डाई मैग्नेटिक, वाई तो यही रीजन है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पारा, इसके पास नहीं है इसलिए डाई। तो इस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से, कोई भी क्वेश्चन हो कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा याद रखेंगे, एल्युमिनियम फेकोनी, एलनीको, एलनीको यानी इसको ट्रिक एल नीको है, यानी आप लोग याद करें फेकोनी ऑल, ये हो गया फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। और डाइमैग्नेटिक क्या हो जाएगा, जब डी इलेक्ट्रॉन जीरो हो या डी इलेक्ट्रॉन टेन हो, तो ये सब डाइमैग्नेटिक हो जाएगा। और जब डी इलेक्ट्रॉन वन टू डी नाइन हो, यानी एक से लेकर नाइन तक भरा हो, तब वो क्या हो जाएगा, पारा मैग्नेटिक। जैसे पूछा जाएगा Cu प्लस पूछा गया, उसी तरह यहां पे Au प्लस भी तो पूछा जा सकता है, सब एक ही ग्रुप के हैं, Ag प्लस Cu प्लस, सब का सब डाई मैग्नेटिक, क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक। Hg प्लस भी डाई मैग्नेटिक होता है, वो भी लिख देते हैं Cu प्लस Hg प्लस, क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो हम लोग पहचान तो गए ना कि डायमैग्नेटिक और पारा मैग्नेटिक किसे कहेंगे, किसको डाई कहेंगे, किसको पारा। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में देख लिया हम लोग, अगर क्वेश्चन पूछा तो इसको कर ले जाएंगे। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया कि Zn प्लस, Zn, Zn इज, सुनिए अच्छा से, Zn प्लस या प्लस टू कुछ भी हो क्या होगा, कलरलेस, बट ये कलर्ड, क्यों कलर्ड होता है, Zn प्लस टू इज कलरलेस, व्हाइट होता है ऐसे, और Cu प्लस टू इज ए कलर्ड। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है तो डीडी ट्रांजिशन करेगा, डीडी ट्रांजिशन करेगा तो ये कलर करेगा, उसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है Zn प्लस टू के पास, Zn प्लस टू लिखेंगे तो डी टेन आ जाएगा तो डाइमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इस टाइप से पूछे जाएंगे जहां पे आप लोग ऐसे आंसर देंगे। Zn प्लस टू का कर देते हैं, देखे Zn 30, Ar 18, 4s 2, 3d 10, 10 हो गया। अब Zn प्लस टू भी करेंगे तो D पे तो कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ेगा, Ar 4s 2 3d 10, तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो सबसे पहले किससे निकलेगा, 4s से। तो हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी देख लिए, अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, इस तरह के वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। अब हम लोग देखेंगे